वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे व्लॉग। आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वन ब्रांड स्किन केयर रूटीन। आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो विंसी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो मेरी पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को। और यहाँ पर मेरे पास है वाइटनिंग, विंसी वाइटनिंग इसका फेस वॉश, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका टेक्स्चर अगर बात की जाए तो मैं आपको ओपन करके ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। क्रीमी फॉर्म में है, झाग बनाने वाले फेस वॉश जैसा नहीं है। इसके अंदर मौजूद बारीक पार्टिकल्स किसी आम स्क्रब में मौजूद क्रीमी होल्स की तरह गोल गोल नहीं हैं, बल्कि प्रॉपर सही रब करने वाले बिल्कुल बारीक ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख लो, बहुत ही स्मूथली और स्किन में से आपकी डर्ट निकाल देता है अच्छे से पेनिट्रेट होकर। असल में ये सेल रिन्यूअल एंटी डलनेस फार्मूला है। जो कि थोड़ी ढीठ तरह की स्याही को और फ्रीकल्स को खुरच खुरच कर उतारने और रिन्यू करने के लिए बेहतरीन बेस्ट काम देता है। डलनेस को रिमूव करने के लिए बेस्ट है। सेंसिटिव स्किन वाले इनका नॉर्मल फेस वॉश है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये लेना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे कुछ ऐसा है जो कि आपको लगता है कि आपको स्क्रब की ज़रूरत है तो ये आपके पैसे बचाता है। फेस वॉश के साथ एक अच्छा सा स्क्रब है जो कि आपके दिन के स्टार्ट के लिए बेस्ट है, और मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इट्स टू गुड, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। देन सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पर मेरे पास यहाँ पर है टोनर। सेकेंड नंबर पर बात की जाए तो विंसी लाइटनिंग टोनर है यहाँ पर मेरे पास। और टोनर क्या करता है अगर आप गर्ल्स को नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि टोनर आपके पोर्स को श्रिंक करता है। अगले नंबर की बात की जाए तो अगले नंबर पे मेरे पास है यहाँ पे विंसी लाइटनिंग टोनर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स के साथ, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स के साथ। और टोनर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ। विंसी लाइटनिंग टोनर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जिन्हें नहीं पता कि टोनर क्या काम करता है तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। टोनर आपके पोर्स को श्रिंक करता है, मिनिमाइज करता है, जैसे कि यहाँ पर मैंशन भी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैंशन है इनका, पोर्स अपेयर स्मॉलर इंस्टेंटली। इसकी नेचुरल सी फ्रेग्रेंस है, ऑल स्किन टाइप है, कलर और एप्लीकेशन को देखते हुए अच्छा इम्प्रेशन देता है। लेना चाहें तो बहुत ही अच्छा और गुड रिज़ल्ट है इसका, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे मेरे पास है इनका बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट है यहाँ पे मेरे पास इनकी स्किन लाइटनिंग सीरम। पास इनकी एक बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है विंसी एक्स्ट्रा लाइटनिंग सीरम यानी मॉइस्चराइजर। इन्होंने अमेजिंगली सीरम में कन्वर्ट कर दिया है। स्पेशली इसकी खूबसूरती ये है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और बिल्कुल सेफ़ है। 16 साल से 40 साल की उम्र तक हाईली इफेक्टिव है। नेचुरल टू कॉम्बिनेशन स्किन को रेडिएंट एंड लाइटनिंग करने में बेस्ट है। खूबसूरत स्प्रे टाइप बॉटल में है। टेक्सचर की बात की जाए इसकी तो इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी एंड स्मूथ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत क्रीमी एंड स्मूथ है, फोरी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। हाईली रिकमेंड करूँगी उन गर्ल्स को, उन लोगों को जिनको ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत मददगार साबित होता है। अगर लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर आ जाती है यहाँ पे सन ब्लॉक की। गर्मियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है
और जिस तरह की गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। मेरे पास यहाँ पे है उससे ही एक मॉइस्चराइज़र की तरह है, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि सन ब्लॉक से पहले मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मॉइस्चराइज़र के पैसे भी बच जाएंगे आपके। सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि डार्क स्पॉट एंड सन बर्न से बच सकें। और कंसिस्टेंसी की बात की जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी है, हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके स्किन पे एंड स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है ये सन ब्लॉक यूज़ करने के बाद। तो आपका ये ख़र्चा भी बच जाएगा कि आपको सीरम या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसमें रिवाइज यूके की तरह वाइट कास्टिंग नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा, अगर लेना चाहें तो बेस्ट ऑप्शन है। जिस तरह की गर्मियाँ उसमें आपको इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और लास्ट में आते हैं, धूप में बाहर निकलने एंड डर्ट पोल्यूशन की वजह से हमें क्लेंज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो मेरे पास है वो है यहाँ पर विंसी क्लेंजिंग मिल्क डीप क्लेंजिंग एंड प्यूरीफाइन ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट लाइटनिंग फॉर ऑल स्किन टाइप 160 ml बॉटल है इसकी यहाँ पे मेरे पास। और कंसिस्टेंसी भी मैं इसकी आपको चेक करवा देती हूँ यहाँ पे। इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही स्मूथ एंड क्रीमी हैं, सो मॉइस्चराइज़र एंड ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। देख लीजिए, अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस करता है। अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। क्लेंजर हमेशा रात को यूज़ किया जाता है और स्किन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करके इंस्टेंटली रेडिएंट बनाता है एंड ब्राइटन अप करता है। जो मेकअप रिमूव करने के बाद भी क्लेंजर आपके बहुत काम आता है। रात में सोने से पहले क्लेंजर को ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि जितना भी दिन में आप अगर कॉलेज गोइंग हैं ऑफिस गोइंग हैं तो आपको मस्ट इसको रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए एंड बेस्ट काम करता है। मुझे इसका ये क्लेंजर बहुत पसंद आया है। अगला नंबर आ जाता है इसके साथ ही मेरे पास है आई रिकवरी सीरम। यहाँ पे ये है इनका विंसी हाइड्रेटिंग आई रिकवरी सीरम। स्पेशली जो है यूज़ किया जाता है डार्क सर्कल्स के लिए और आईज पफिनेस के लिए। इसके रिज़ल्ट के बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे जस्ट 2 वीक हुए हैं इसे यूज़ करते हुए और साथ ही इसके मैं यूज़ कर रही हूँ लाइटनिंग विंसी की लाइटनिंग नाइट क्रीम एंड डे क्रीम। यहाँ पे ये मेरे पास मौजूद हैं, ये आप देख लीजिए। इनका रिज़ल्ट मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। अभी मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, यूज़ करने के बाद ही आपको बताऊँगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा है और कैसा नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट 2 वीक्स हुए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए। मैं इसके ऊपर अच्छे से एक्सपीरियंस करूँगी, उसके बाद ही आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर बात की जाए इसकी आई रिकवरी सीरम की, तो इसका आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 15 ml है यहाँ पे। और कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो बहुत ही क्रीमी सा फार्मूला है इनका ये। और इसको करना क्या होता है, आप अपनी आईज़ पे जब अपना पूरा कर लेते हैं, स्किन केयर रूटीन कर लेते हैं, अच्छे से क्लेंजर वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद नाइट क्रीम लगाने के बाद आपको इसको अपनी आईज के पास सर्कल रिमूव इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है और अपनी आईज को इस तरीके से मसाज करना पड़ता है। आपको 5 मिनट इस तरह मसाज करना चाहिए आईज पे यूँ क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, बट आप इसको पूरा यूँ गोल नहीं घुमाएंगे, अपनी आईज पे नीचे से यूँ लेकर जाएंगे और ऊपर से यूँ, ठीक है। बात की जाए इसके बाद सेकंड नंबर पे विंसी की स्किन लाइटनिंग क्रीम लाइटनिंग द कम्प्लेक्शन शिया बटर एंड लेरी कोर्स है। यहाँ पे शिया बटर है इसमें, SPF 20 भी है। आपको सन ब्लॉक भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस डे क्रीम को यूज़ करने पे। इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए, इसमें 50 ml आपको मिल रहा है और कंसिस्टेंसी बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग है विंसी की। यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ती है ये, बहुत ही क्रीमी
फार्मूला हैं इनके, और मुझे अभी तक जो इनका रिज़ल्ट मिला है वो काफ़ी अच्छा है। आगे भी मैं चाहूँगी जिस तरीके का ये है। और सबसे अच्छी बात जो इसकी है कि ये स्पेशली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं जिससे आपकी स्किन को ख़तरा हो, और यूज़ करना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। पर इनकी वीडियो मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। सेकेंड नंबर पर जो थर्ड है, यहाँ पर थर्ड पर मेरे पास यहाँ है विंसी लाइटनिंग नाइट क्रीम। इसको भी मैं खूबसूरत बोतल टाइप में है, यहाँ पे आप देख लीजिए खूबसूरत बोतल टाइप में है। पैकेजिंग की बात की जाए तो इनको 10 मिलने चाहिए पूरे, और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, ये ऑफ का बटन है। इसके बाद अगर आपके किड्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कारामद है कि ये आपके बहुत मदद करेगा आपके बच्चों से आपके चीज़ें बचाने में, आपका प्रोडक्ट बचाने में। कि ये देख लीजिए, ये ऑफ़ हो गया बटन, और जब हम इसको यू मूव करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। कंसिस्टेंसी जो है इसकी लाइट सी है, और ये लिड है इसके साथ जिससे ये प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होगा, और ट्रैवल फ्रेंडली है। बॉटल प्लास्टिक में है, स्प्रे टाइप बॉटल्स हैं सारी, और ये गिरने से टूटती भी नहीं है, और इसलिए ये आपके लिए ट्रैवल फ्रेंडली हैं, बजट फ्रेंडली हैं। क्योंकि इस तरह की स्किन केयर रूटीन, इस तरह की स्किन केयर रूटीन जो होती हैं वो 2000 से मैक्सिमम शुरू होती हैं, और इनका स्टार्ट जो है वो 700-800 से स्टार्ट है, और बहुत कम इनकी जो है चीज़ें हैं जो कि 2000 तक का प्रोडक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसीलिए रिजनेबल है। और यहाँ पे आप देख लो, ये मैंने नाइट क्रीम अप्लाई की है, और यहाँ पर इसका ये देख लीजिए कितने अच्छे से ग्लो एड करती है फेस को, हैंड पे यहाँ पर आप मेरे देख सकते हैं। इसके बाद दो स्पेशल प्रोडक्ट जिनके बारे में शायद कोई भी बात करना या सुनना नहीं चाहता, पर मैं आप लोगों के वेट करूंगी कि आप लोग मुझे बताइए कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो। मेरे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, कमाल की प्रोडक्ट्स हैं। एक का तो मैं अभी आपको बता देती हूँ बॉटल ओपन करके, और एक का जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है लाइटनिंग सीरम फॉर सेंसिटिव पार्ट्स। हमारे ये काम क्या करता है, ये स्किन लाइटनिंग करता है आपके डार्कर एरिया, आपके प्राइवेट एरियाज, अंडर आर्म्स, और आपकी नी जो होती है उसको, एंड नेकल्स जो होते हैं डार्क एरियाज़ को लाइट करने के लिए। और लेडीज़ को ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए, अपनी स्किन केयर में ज़रूर शामिल कीजिए इसको। इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको, उसी तरीके की पैकेजिंग है, पैकेजिंग इनकी बहुत खूबसूरत है। स्प्रे टाइप बॉटल है, इस तरीके से पैक होके आती है ये, और यहाँ पे इसका भी ऑन ऑफ का ये लिड है, और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये लाइटनिंग करता है उन एरियाज़ को जो आपके डार्कर एरियाज़ होते हैं, मतलब कि आपके प्राइवेट एरियाज़ पे, अंडर आर्म्स एंड आपकी नी हो गई, कोनियों पे एंड नकल्स पे, ये जो नकल्स होते हैं डार्क हो जाते हैं यहाँ पे मेरे भी, आप देख लें, इनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। और सबसे लास्ट में मेरे पास जो है, सबसे लास्ट में मेरे पास यहाँ पे रह गया, इसके बाद मैं लिप बाम का भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसी रेजर का काम करती है, सीरियसली आपके गर्दों गुबार को और जो ढीर तरह की स्याही होती है उसको रिमूव करती है। रेडिएंट पीलिंग मोज़ेक इसका नाम है, और ये करता क्या है जी, ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे स्पेशली इनकी ये और सीरम बहुत पसंद आया, लाइटनिंग सीरम, बिकॉज कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मेरी स्किन पे। हर स्किन पे एक जैसा काम नहीं करता, पर यह है कि इसके रिजल्ट्स मैंने इनके फीडबैक देखे हैं बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए उसी तरीके की बॉटल है। ये करता क्या है यहाँ पे, आई होप कि मैं आपको दिखा सकूँ इसको आप स्किन पे। ये जस्ट वाटर टाइप का है, ये देखिए जैसे ये मेरे डार्क्स हैं एरियाज़ हैं, इनके ऊपर जब आप इसको रब करेंगे तो ये किसी रेज़र की तरह आपका डर्ट निकाल देता है। आई होप कि मैं यहाँ वीडियो में आपको समझा सकूं। बिल्कुल रेज़र की, रेज़र जिस तरह रेज़र से आप पेंसिल
का कोई लिखा हुआ मिटाते हैं और रेज़र किस तरीके से वहाँ पे डर्ट निकलता है, इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ पे आई थिंक मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है मैंने और यहाँ पे ये बिल्कुल मुझे पसीने आ रहे हैं हाथों पे, जिसकी वजह से ये नहीं हो सकेगा। पर आप यहाँ पे अगर देख सको तो ये मेरी स्किन, ये देखिए इस तरीके से ये डर्ट रिमूव करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट है। मेरे कहने पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा आपके डार्क एरियाज़ के लिए। ये देख लीजिए आप किस तरीके से ये स्किन में से मेल निकालता है आपकी। अब लास्ट में आ जाते हैं इसके प्राइसेस पे और इसकी पैकेजिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी। और लास्ट में अगर हम यहाँ पे आ जाएं कि ये क्या है और कौन सी प्रोडक्ट है, तो ये कुरियन है, विंसे के प्रोडक्ट हैं कुरियन। और यहाँ पे ये क्लिनिकली टेस्टेड है और यहाँ पे स्टैम्प है, यहाँ आप देख लीजिए क्लिनिकली टेस्टेड एंड प्रोडक्ट एंड एशियन अरबिक स्किन टाइप से, ये मतलब कि ख़ास कर ये हमारी एशियन स्किन के लिए बनी है और बहुत ही कारामद है। सीरियसली सारे पैसे इसी मोनोग्राम के हैं इनके और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। सीरियसली मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्पेशली अरबिक एंड एशियन स्किन टाइप के लिए ये बनाया गया है। 10-12 थे और इनका प्राइस जो था वो 800 रुपीज़ था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, चाहे तो वहाँ से ले लीजिएगा। और लाइटनिंग करता है आपके डार्कर लिप को, हाइड्रेट करता है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो लिप बाम की कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख लें। आगे वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी स्किन को, आपके लिप कलर को लाइटिंग करता है। और अगर आप लेना चाहें इंटरेस्टेड हुए तो इनका मैं आपको बता दूंगी कि आप किस तरीके से इसमें जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन अपने घर पर बैठे हुए ऑर्डर करवा सकते हैं विंसे के स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर रूटीन। और बहुत जल्द अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसे ब्लॉग की स्किन केयर रूटीन क्या है न्यू जो मैंने स्टार्ट की है, डेफिनेटली मैं इन्हीं को अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करूँगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, केयर रूटीन आपके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं वो भी। और इन क्रीम का इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ रिव्यू करूंगी, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी लाइटनिंग की है मेरी स्किन या नहीं और कितना काम करती है ये। सो इजाज़त चाहूंगी, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये मेहनत पसंद आई हो आप लोगों को। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए आने वालों को दिल से वेलकम है मेरे चैनल पे, और जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त चाहूँगी आप सबसे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।